एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन की बात करते हैं। आज किसानों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनके लिए ना तो सरकार की कोई बात का मतलब है, ना पुलिस की किसी बात का कोई मतलब है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट की किसी बात का कोई मतलब है। कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज सरकार और पुलिस दोनों का ऑफर ठुकरा दिया है। अब से कुछ देर पहले किसान संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हालांकि आज नहीं की, माफ कीजिएगा, प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने आज की बैठक का अपना फैसला सुनाया। आपके सामने रख दूं वो बात क्या है। किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार का प्रस्ताव नामंजूर है। तीन कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर किसान कायम है। MSP को लेकर कानून बनाने पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि 26 जनवरी को दिल्ली के रिंग रोड पर ही वो ट्रैक्टर परेड करेंगे। इसके अलावा किसानों ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में भी दिल्ली के ट्रैक्टर परेड की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में 23 जनवरी को राजभवन का घेराव किया जाएगा। कर्नाटक में भी कई जगह पर 26 जनवरी के दिन किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। उधर केरल में भी कई जगह पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ये प्रेस नोट संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल की तरफ से जारी किया गया। लेकिन इससे पहले आज दिन भर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। कल होने वाली 11वें दौर की बैठक से पहले आंदोलन कर रहे किसान आज तीन मोर्चों पर नजर आए। किसानों ने आज तीन अहम बैठकें की। पहली 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर किसानों और पुलिस के साथ बैठक हुई, जिसमें किसानों ने पुलिस का ऑफर ठुकरा दिया। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए जो कमेटी बनाई है, उसमें आज 8 राज्यों के 10 किसान संगठन शामिल हुए और उन्होंने अपनी राय भी रखी। तीसरी और सबसे अहम बैठक थी किसान संगठनों की आपस में बातचीत। इसमें किसानों ने सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की। कल किसानों और सरकार के बीच हुई 10वीं दौर की बैठक में सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि वो अगले 1.5 साल तक कृषि कानून को लागू नहीं करेगी, और इसी के साथ सरकार ने गेंद किसानों के पाले में डाल दी। आज दिन में किसानों ने इसी को लेकर घंटों चर्चा की। सरकार की कोई भी प्रपोजल प्रमाण नहीं की जाएगी। बात बनने की उम्मीद और न बनने की आशंका के बीच आज दिन भर जो तस्वीरें आई, उसमें किसानों ने यही संदेश दिया कि कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च को लेकर जब पुलिस से किसानों की बात हुई, तो भी किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि वो ट्रैक्टर रैली दिल्ली में बाहरी रिंग रोड के बजाय KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर निकाले, लेकिन किसान संगठनों ने उसे नामंजूर कर दिया। किसान संगठन इस बात पर अड़े हैं कि वो दिल्ली के भीतर ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जो बोल के है वही करेंगे, आप सोच लीजिए, हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर, KMP मंजूर नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। फिर उनका कहना है कि ठीक है, हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ही आपका परेड को कैसे आयोजित किया जाए। हमने तय किया कि रिंग रोड पे ही होगा प्रोग्राम। गतिरोध बना रहा, कल दोबारा बैठक होगी। पुलिस ने विकल्प दिया नहीं कोई, उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, तो वो बताएंगे, सुझाएंगे, उस पर बात करेंगे। हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं, वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को, अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। इस बीच पंजाब के तमाम शहरों से किसानों का दिल्ली की तरफ कूच करना जारी है। लुधियाना की तस्वीरें देखिए, जहां ये तमाम किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 26 जनवरी के दिन दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में निकले हैं। हरियाणा की खाप पंचायतें भी 24 जनवरी को दिल्ली कूच की तैयारी कर रही हैं। जींद की कंडेला खाप का कहना है कि वो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के लिए 2000 ट्रैक्टर भेजने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम है कल होने वाली बैठक, जिसे लेकर सिर्फ सरकार ही नहीं, देश के उन लोगों के मन में भी बड़ी उम्मीदें हैं जो 57 दिनों से दिल्ली में डटे किसानों को लेकर फिक्रमंद है। तो भाई, आने वाले कल किसानों और सरकारों के बीच 11वें दौर की बैठक होनी है। कल की बैठक में कुछ बात बनेगी या नहीं, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
ऐसा इसलिए है क्योंकि किसानों ने आज अपना रुख साफ कर दिया है। किसानों के जो तेवर है उसे देखकर लगता नहीं है कि कल की बैठक में भी वो सरकार के किसी प्रस्ताव को मंजूर करेंगे। हम आपको अब ये बताते हैं कि सरकार और किसानों के बीच पिछले 10 दौर की बातचीत में हुआ क्या कुछ है। किसानों और सरकार की पहली बातचीत 14 अक्टूबर को हुई थी। पहली बातचीत कृषि सचिव की 29 किसान संगठनों से बातचीत में नतीजा यह निकला कि किसान संगठनों ने 2 ज्ञापन सौंपे। उसके बाद दूसरी बार 13 नवंबर को 32 किसान संगठनों से कृषि मंत्री की बातचीत हुई। नतीजा क्या निकला? सरकार ने कानून की जानकारी किसान संगठनों को दी। तीसरी बार 1 दिसंबर को 35 किसान संगठनों से सरकार की बातचीत हुई और नतीजा क्या रहा? एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया। फिर चौथी बार 3 दिसंबर को 40 किसान संगठनों से मुलाकात होती और नतीजा बातचीत नाकाम रहती है। पांचवी बार 5 दिसंबर को 40 किसान संगठनों से बातचीत दोबारा होती है, नतीजा किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाती है। छठी बार आप देखिए 8 दिसंबर को बातचीत होती है, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होते हैं। नतीजा माफ कीजिएगा 9 दिसंबर को ये बातचीत होती है और छठी बार होती है, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? लिखित प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं होता है। फिर सातवीं बार आप देखिए 30 दिसंबर को कृषि मंत्री के साथ बातचीत होती है, किसानों को 2 मांगों की तरफ से मंजूरी वाली खबर मिलती है, किसानों को यह कह दिया जाता है कि आपकी 2 मांगे मंजूर कर दी गई है। आठवीं बार देखिए आप 4 जनवरी को कृषि मंत्री के साथ 40 संगठनों की बातचीत होती है, गतिरोध उसके बावजूद आप देखिए बना हुआ है। नवीं बार यानी 15 जनवरी को कृषि मंत्री से बातचीत होती है, नतीजा गतिरोध फिर भी बरकरार रहता है। फिर दसवीं बार यानी कल बीता हुआ कृषि मंत्री से बातचीत हुई, नतीजा क्या? कानून पर अस्थाई रोक को सरकार तैयार हो जाती है, प्रस्ताव ये सामने रखती है। सुना आपने, प्रस्ताव सामने रखती है। ये 10 दौर की बातचीत थी, कोई गतिरोध दूर होता हुआ नहीं दिखा। ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कल एक अच्छी खबर आएगी, लेकिन किसान संगठनों ने वो तमाम प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। ABP News, आपको रखे आगे।